पाकिस्तान जमीन पार्टी के सरबरा सैयद मुस्तफा कमाल ने इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान टीवी पर बैठकर इदारों को बदनाम करते हैं और मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। इख्तदार में आने से पहले जो कुछ कहा उस पर अमल नहीं किया। इख्तदार अमरीका ने नहीं अल्लाह ने छीना है। पॉपुलर तो यजीद और फरौन भी थे। अरशद शरीफ के नाम पर सियासत बंद करें। झूठ नहीं बोल सकता यार, आप सुबह दोपहर शाम और उसके बीच में भी जो टाइम आता है उस सारे टाइम में झूठ बोल रहे हो यार आप, और कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर हम आजाद हैं, हम किसी के अंडर में नहीं आते। आपने कहा आप सारे वजीर आजम हाउस को गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नहीं बनाया, झूठ बोला। आपने कहा आप IMF के पास नहीं जाएंगे, जाना पड़े तो खुदकुशी कर लेंगे, गए, झूठ बोला। आपने कहा आपने कहा कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर देंगे, नहीं किया, झूठ बोला। आपने कहा कि मुल्क में 50 लाख घर बनाएंगे, नहीं बनाया, झूठ बोला। आपने कहा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दी, झूठ बोला। आपने कहा साइफर भेजकर मुझे निकाला गया है अमेरिका से, अब बोल रहे हैं कि उसके मामले को मैं पीछे छोड़ना चाहता हूं, ऑडियो आ गई कि इससे खेलना है, झूठ बोला आपने। आप आज भी बैठकर झूठ बोल रहे हैं, आप आज भी बैठकर झूठ बोल रहे हैं। आप इदारों के लोगों का नाम लेकर, इदारे पे नाम लेकर आप झूठ बहुतान तराशी कर रहे हैं। खुदा को माने इंटरनेशनल चैनल्स पे बैठकर कह रहे हैं कि मुझे मेरे मुल्क की एजेंसियां जो हैं वो एलिमिनेट करना चाहती हैं, फॉर गॉड्स सेक। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान ने दीगर पार्टियों के रहनुमाओं को पाबंदे सलासल किया, क्या तमाम रहा हो गए, हमें इमरान के खिताब ही सुनने को मिलते हैं। 4 साल का जो बच्चा 18 साल का हो गया उसने टीवी पर सिर्फ एक शख्स को देखा है और वो सिर्फ इमरान खान है, इसीलिए वो लोगों को हर तरफ नजर आता है। जर्नल के ऊपर और उसके